अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर आज 35% गिरा। बांग्लादेश ने कहा अडानी ने महंगी बिजली दी, अब सस्ती करे। यूएस बाजार से कंपनी का शेयर बाहर भी हो गया। पिछले दिनों अडानी काफी चर्चित थे, वे टीवी चैनलों में जाकर अपनी व्याख्यान दिया करते थे, पर अभी कुछ ऐसा हुआ कि अडानी बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद से बाजार तक हलचल मची हुई है। विपक्ष अडानी ग्रुप पर लग रहे आरोपों की जांच की मांग पर अड़ गया है। संसद में शुक्रवार को भी हंगामा हुआ, लोकसभा 2 बजे और राज्यसभा 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनाने की मांग कर रहा है। इस बीच अडानी इंटरप्राइजेज के शेयरों में आज सुबह 35% की गिरावट दर्ज की गई। एक शेयर की कीमत 1000 रुपये के करीब पहुंच गई है। रिपोर्ट आने से पहले एक शेयर का भाव 3500 रुपये के करीब था। इस तरह कंपनी का शेयर 9 दिनों में 70% गिर गया। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने भी अडानी एंटरप्राइजेज को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर कर दिया है। बांग्लादेश सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एनर्जी सेक्टर में डील में संशोधन की मांग की है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि बिजली की कीमतें ज्यादा हैं, इन्हें कम किया जाना चाहिए। उधर कांग्रेस ने 6 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इस मामले में आज के बड़े अपडेट आप सुन लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 पार्टियां शामिल हुई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता 6 फरवरी को देश भर के जिलों में स्थित LIC और SBI कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी नेताओं का कहना है कि शेयर बाजार का यह अमृतकाल का सबसे बड़ा महाघोटाला है। बांग्लादेश और अडानी के बीच 2017 में हुई थी डील। बांग्लादेश ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2017 के बिजली खरीद पर समझौता किया था। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने गुरुवार को अडानी पावर को चिट्ठी लिखी है। इसमें बिजली खरीदी की कीमतों में बदलाव करने की मांग की है। BPDC का कहना है कि उसे महंगी दर पर बिजली मिल रही है। BPDC ने नवंबर 2017 में 25 साल के लिए 1496 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए अडानी पावर से डील की थी। बता दें कि अडानी के 3 शेयरों में NSE ने बढ़ाई निगरानी। NSE ने अडानी ग्रुप के 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म के लिए एडिशनल सर्विलांस मेजर्स लिस्ट में शामिल कर लिया है। इनमें अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज और अंबुजा सीमेंट शामिल है। ASM निगरानी का एक तरीका है जिसके जरिए मार्केट के रेगुलेटर SEBI और मार्केट एक्सचेंज BSE, NSE इस पर नजर रखते हैं। इसका लक्ष्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना होता है। किसी शेयर में उतार चढ़ाव होने पर उसे NSE में डाला जाता है। और बताएं कि फोर्ब्स की लिस्ट में 17वें स्थान पर खिसके अडानी, जो नंबर 1 पर हुआ करते थे, आज 17वें स्थान पर खिसक गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 8.38 लाख करोड़ रुपया गिरा है। वहीं गुरुवार को फोर्ब्स रियल टाइम लिस्ट में अडानी 17वें स्थान पर आ गए। 17 फरवरी के पहले अडानी दुनिया के 3रे सबसे अमीर व्यक्ति थे और एशिया में पहले नंबर पर थे। 9 दिनों की इस कहानी ने अडानी को बहुत नीचे ले गया। 24 जनवरी हिंडनबर्ग ने 106 पेज की रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोप लगाए। 27 जनवरी अडानी इंटरप्राइजेज 20,000 करोड़ का FPO लाया। पहले दिन सिर्फ 1% सब्सक्रिप्शन मिला। इस ऑफर का प्राइस बैंड 3,112 से 3,276 रुपये प्रति शेयर रखा गया था। 29 जनवरी अडानी इंटरप्राइजेज का FPO फुल सब्सक्राइब हो गया। इस दिन अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत बताया, कहा यह भारत पर साजिश की तरह हमला है। ग्रुप ने 413 पन्नों में इसका जवाब दिया। फिर 1 फरवरी अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपये के फुली सब्सक्राइब्ड FPO को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही। 2 फरवरी गौतम अडानी ने FPO रद्द करने के बाद एक वीडियो मैसेज दिया जिसमें उन्होंने कहा मेरे लिए निवेशकों का हित सर्वोपरि है। इसी दिन संसद पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। RBI ने देश की सभी बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज और निवेश का ब्यौरा मांगा। NSE ने अडानी ग्रुप के 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म के लिए
एडिशनल सर्विलांस मेजर लिस्ट में शामिल किया। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद पिछले दो ट्रेंडिंग सेशन में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ है। देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC भी उन प्रभावित इन्वेस्टर्स में एक है। अडानी ग्रुप के शेयरों में LIC का 24 जनवरी को टोटल इन्वेस्टमेंट 81,268 करोड़ रुपए था, जो 27 जनवरी को गिरकर 62,621 करोड़ रुपए रह गया है। इस हिसाब से LIC को दो ट्रेंडिंग सेशन में करीब 18,646 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।